था नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो युद्ध हुआ होगा भीमसेन का, उसमें कैसा युद्ध हुआ होगा, मल्ल युद्ध कैसा हुआ होगा। तो भीमसेन बार बार पटकते होंगे, विरोधी उठता होगा, फिर उसको पटक देते होंगे, और धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। ये राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने वास्तविकता में ऐसा ही किया है। जो अधर्म ने अपना सिर उठाया था जी और जिस प्रकार से धर्म को पराजित करने का प्रयास पिछले 9 साल में हुआ था, पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूं पदयात्रा के माध्यम से। उसके बाद राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली थी उसके माध्यम से, उसके बाद विदेश में जाके पूरे विदेशी की फ्रेटर्निटी को ये मैसेज देके कि भारतवर्ष वही पुराना महात्मा बुद्ध और बिल्कुल महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, हम प्यार और मोहब्बत को बांटने वाला देश हैं। देखिए, एक राजीव जी नैरेटिव बनाया गया था पिछले 9 साल से, विद्वेष और घृणा ही राष्ट्र धर्म है, जी जिसको कहा जाता है, जिसको लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र धर्म है, इसको कहा गया नेशनलिज्म है। ये ऐसा नेशनलिज्म बनाया गया जिसमें धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों से घृणा करना ही राष्ट्र धर्म माना गया, राष्ट्रीयता माना गया। राहुल गांधी ने इसको धराशायी कर दिया। राहुल गांधी ने यह बताया कि ये देश जो है ये प्रेम के आधार पे बना हुआ देश है, भारतवर्ष एक अनूठा देश है, पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने रंग हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जाति हैं, इतने संप्रदाय हैं, और उसके बावजूद हम एक परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जो प्यार की गंगा बहाई है, जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जो एक हमारे देश में विद्वेष की ज्वाला को भड़काया गया था, उसको इस प्यार की गंगा के पानी से छिड़क कर बुझाया है, वास्तविकता में ये उसी प्रकार का है जैसे जरासंध को बार बार पटक कर जब भी वो उठने की कोशिश करता था। और मैं कल्पना करता हूं कैसे भीमसेन ने जंगा को फाड़ के, उसको अपने विरोधी की जंगा को फाड़ दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं। ये देश केवल प्यार, मोहब्बत, अहिंसा, सद्भाव, संभाव, इस देश में रहने वाले। हम विदेश भी जाएंगे तो हम केवल प्रेम और सद्भाव की बात करेंगे, हम धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे। अब तभी हम ये जाके किसी भी मुस्लिम देश और क्रिश्चियन देश में ये कह सकेंगे, तुम्हें अगर सेकुलरिज्म सीखना है, अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत की बात सीखनी है, तो हिंदुस्तान में आके सीखो। आज मैं क्या जाके विदेश में कहूंगा, मैं रिजवी साहब से जाके क्या कहूंगा, अगर मैं इनके देश में जाऊंगा और वहां जाके कहूंगा, ये पूछेंगे तुम किस देश से आए हो, तुम क्या उस देश से आए हो जहां पे धर्म की मायना ये रखा जाता है दूसरे से घृणा किया जाए, दूसरे से विद्वेष किया जाए, क्या तुम महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के देश से आए हो? आखिर स्वामी मैं इनको क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए देश में भी विदेश में भी हर जगह यह कहूंगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा हो, बहुसंख्यक जो हैं दूसरे धर्म और जाति संप्रदाय किसी को भी नीचा और हे न समझें, अपनी श्रेष्ठता कायम न करें, किसी को घेर के न पीटें, प्यार मोहब्बत की बात हो, जो मेरे देश की आत्मा है मैं उसको उज्जवल रखने की बात करूंगा। और राहुल गांधी को मैं इसलिए मानता हूं कि राहुल गांधी उसी ज्वाला को, उसी प्रेम के संदेश को पूरे विश्व में बांट रहे हैं और देश की आत्मा को जीवित रख रहे हैं। राजीव जी, जी, सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्यों बुराई इतना हाई तौबा क्यों यहाँ पे? देखिए राजीव जी, जब मैंने एमबीए किया था, मैंने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी, आज के बच्चों को मैंने पढ़ाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी होती है स्थिर और स्ट्रेटेजी होती है परिवर्तित, जो कि पॉलिसी को देख के बनाई जाती है। बीजेपी के साथ मुश्किल क्या है कि राहुल गांधी कोई भी बात बोलते हैं उस पर एक ही जवाब देते हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिएक्टिव है, एक ही है, और होना चाहिए जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग। तो राहुल गांधी कुछ भी बोलें उनका एक ही जवाब है कि राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। अरे अगर वो राष्ट्र की चिंता कर रहा है, अरे वो सद्भाव संभाव की चिंता कर रहा है, अगर देश की उन्नति की बात कर रहा है, तो अलग जवाब दीजिए उसके, हर प्रश्न का अलग जवाब दीजिए। बिल्कुल वही वाली बात है राजीव जी जो आपके कार्यक्रम में कई लोग कह चुके हैं, याद करके गए माई फादर का ऐसे आ गया माई काऊ, माई फादर हैड ए काऊ, और उसके बाद काऊ में लिखना शुरू कर दिया। बकरी भी आ गया माई फादर हैड ए गोट, उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो आज बीजेपी की स्थिति यह है, प्रश्न कोई भी हो जो रट के गए हैं वही जवाब देते हैं,
जो रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं राजीव जी। जी प्रशांत टंडन जी,